ठीक है। प्रकट भई लाडली जू, प्रकट भई लाडली जू, सब देवन के देवन कर जोड़े खड़े, प्रकट भई लाडली जू, सब देवन कर जोड़े खड़े, वर्ष भानु के द्वारे आज सारा त्रिभुवन दंडवत पड़े, वर्ष भानु के द्वारे आज सारा त्रिभुवन दंडवत पड़े। प्रकट भई जगजननी, मतलब अलग अलग रूप के हिसाब से, प्रकट भई जगजननी इच्छा सार सब सार्थ करे, उनकी इच्छा तभी वो जन्म लेती है। तो प्रकट भई जगजननी इच्छा सार सब सार्थ करे, जगत पालक संहारक सृष्टिकर्ता सब वंदन करे, जगत पालक संहारक सृष्टिकर्ता सब वंदन करे। प्रकट भई बरसाना में, प्रकट भई बरसाना में, सब पर कृपा बरसावे जो, प्रकट भई बरसाना में बरसावे जो, तीनों लोग फीको लागे कोई नहीं बरसाने की मिट्टी सो, तीनों लोग फीको लागे कोई नहीं बरसाने की मिट्टी सो। प्रकट भई गौरवर्णी, प्रकट भई गौरवर्णी, कोटि चंद्र लज्जाने लगे, कोटि चंद्र लज्जाने लगे, करोड़ों चंद्रमा लज्जित हो रहे, रति रति भर भी सौंदर्य को, रति रति भर, रति कामदेव की पत्नी और रति भर भी मतलब थोड़ी सी भी, रति रति भर भी सौंदर्य को बराबर न कर सके, मतलब जो कामदेव की पत्नी वो भी बराबर नहीं कर रही। प्रकट भई विशाल नेत्री, प्रकट भई विशाल नेत्री, नयन चक्षु सब पर बंद पड़े, प्रकट भई विशाल नेत्री पर, नयन चक्षु पर बंद पड़े, आँखें नहीं खोली है। अरदास जन्मा एक एकादश माह माही, अरदास जन्मा एकादश माही, तब सूरज का प्रकाश घटे, मतलब कि उन्होंने जन्म तो ले लिया लेकिन उनकी आंखें बंद है। आंखें क्यों बंद, क्योंकि 11 महीनों के बाद कृष्ण का जन्म होता है, तब वो आंखें खोलती है, तब जाकर सूरज का प्रकाश कम होता है उनकी आंखें खोलने से। प्रकट भई शिवा शिवेन, प्रकट भई शिवा शिवेन, परम ब्रह्म परमात्मा, मतलब जो शिव की भी अर्धांगिनी है, प्रकट भई शिवा शिवेन, परम ब्रह्म परमात्मा, काली कृष्ण बन जन्मे करे देवी की आराधना, मतलब जो देवी भागवत के अनुसार जो शिव है वो राधा के रूप में आते हैं और जो काली है वो कृष्ण के रूप में आते हैं, तो वो यहाँ पे लिखी है। प्रकट भई शिवा शिवेन, परब्रह्म परमात्मा, काली कृष्ण बंद जन्मे करे देव की आराधना, क्योंकि इसके अंदर कृष्ण है, वो पूरी उम्र कृष्ण राधा की आराधना ही करते हैं। प्रकट भई कुंतल कांतुली, प्रकट भई कुंतल कांकुली, कुंतल कांकुली, कृष्ण मैं घनघोर से, मतलब कि घुंघराले से लंबे से जो सुनहरे बाल है कुंतल कांकुली, कृष्ण मैं घनघोर से, कोटि शेष नाग सतकोटि वासुकी, बंदे हो शीश से। प्रकट भई कुंतल कांकुली, कृष्ण मैं घनघोर से, मतलब जिनके घुंघराले से बाल है लंबे से एकदम घनघोर काले से, और कोटि शेष नाग सतकोटि वासुकु, मतलब करोड़ शेष नाग और हजारों जो सतकोटि वासुकी है वो उनके बालों से बंधे हुए ऐसे प्रतीत होते हैं। प्रकट भई रास विलासनी, प्रकट भई रास विलासनी, कृष्ण संग रास रचे, इंदु लेखा सुलेखा चित्र लेखा सुदेवी, मतलब जो अष्ट सखिया है तो उनका शॉर्ट में नाम बता देता हूँ। प्रकट भई रास विलासनी, कृष्ण संग रास रचे, अष्ट सखिया तो कभी विशाखा चंपक लता तो वंदा बने, मतलब कि जो आठ सखिया है वही बंद कर वही नाच करती है। प्रकट भई कृष्ण पीवरी, प्रकट भई कृष्ण पीवरी, पीवरी पत्नी के रूप में, तो कृष्ण की जो पत्नी है, भांडेरी में विवाह रचे, जो भांडेरी वन है उसके अंदर विवाह करते हैं। एक देह एक रूप एकल ब्रह्म द्विरूप में रमे, एक देह एक रूप एकल ब्रह्म द्विरूप में रमे, द्विरूप में रमे, क्या बात, दोनों एक ही है। प्रकट भई कृष्ण आद्य शक्ति, प्रकट भई कृष्ण आद्य शक्ति, कृष्ण बल सबल करे, कृष्ण के बल को भी सबल करे, जी अंगुली गोर्धन उठाए वे ही कृष्ण का हाथ बने। आपने कभी देखा होगा कि कृष्ण जो गोर्धन उठाते हैं इस हाथ से उठाते हैं, और वाम हाथ को हमारे धर्म के अंदर कन्या का हाथ माना जाता है कि ये कन्या का हाथ है, तो उसने पुरुष वाले हाथ से नहीं, कन्या के हाथ से, मतलब राधा के हाथ से उन्होंने गोर्धन उठाया था। तो जे अंगुली गोर्धन उठावे, जे अंगुली गोर्धन उठावे वे ही कृष्ण का हाथ बने। प्रकट भई प्रेम मूर्ति राधा, प्रकट भई प्रेम मूर्ति राधा, अद्वितीय प्रेम दिखावे, सत्य प्रेम विरह की पीड़ा, योजन दूरी से निभावे, मतलब मिलने कभी जाते नहीं है और योजन दूर से प्रेम। प्रकट भई अजन्मा अविनाशी, प्रकट भई अजन्मा अविनाशी, जन्म मरण से परे, कल्पना मात्र से कोटि लोकों में अपने अनंत रूप धरे। प्रकट भई अपरा पराम्बा, प्रकट भई अपरा पराम्बा, ब्रह्मा पार न पा सके, निकृष्ट निज अध्यम उषा, कैसे कुछ बतला सके।